साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा दो दिन से चल रहा है कि गोल्डन ढाबा के आगे उन्होंने बैरिकेड लगा दिए हैं, पत्थर लगा दिए हैं, और काफ़ी दो दिन से मीडिया पे चल रहा है, वो किसानों की बहुत सेवा कर रहा था। साथियों, अब मालूम हुआ है कि पानीपत से लेके और जलंधर तक वो सब के आगे पत्थर लगा रहे हैं। जितने भी कट हैं उन सब को बंद कर रहे हैं, जितने होटलों के आगे या पेट्रोल पंपों के आगे, वो सब कट बंद कर रहे हैं। साथियों, अगर पूरे जीटी रोड के सारे कट बंद कर दिए जाते हैं तो सारे पेट्रोल पंप और सारे ढाबे एक तरह से बंद हो जाएंगे। कई कई किलोमीटर तक लगातार कट नहीं है। तो साथियों, अच्छा है मैं ढाबों वालों से और पेट्रोल पंप वालों से, पानीपत से जलंधर तक जितने भी ढाबे और जितने भी पेट्रोल पंप हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी जाग जाएं, अभी मौका है। एक बार बंद हो गए तो फिर दोबारा से बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी मौका है, अभी जाग जाएं। और इसका मतलब मेरी समझ में एक और ये आ रहा है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ढाबे जानबूझ के बंद कराए जा रहे हैं, आगे कंपनियाँ ढाबे खोलेंगी और आपको 100 रुपये का चाय का कप मिलेगा। ढाबे मतलब मेरे को ये मालूम हुआ है कि कहीं कहीं इन्होंने पहले ही जमीन ली हुई है या आगे लेंगे, तो वहाँ पे लेंगे जहाँ पे कट है, तो इस तरह से जो है या ये कट बनवा लेंगे वहाँ पे। मतलब मेरे को ये लगता है कि सारे ढाबे वालों का कारोबार बंद होगा और कंपनियाँ ही इन जीटी रोडों पर ढाबे खोलेंगी। तो साथियों, अभी मौका है, सारे पेट्रोल पंपों वाले और जो जीटी रोड पे हैं और सारे ढाबों वाले, ये अभी जागें और अपनी आवाज़ बुलंद करें। अगर हमारी कोई मदद की ज़रूरत है, हम भी आपके साथ मदद करेंगे, क्योंकि ये कंपनियां इस देश को हड़प जाएंगी। और आपको सूचना देना चाहता था, आप तक बात पहुंचानी चाहता था कि आपका काम है, आपने जागना है कि नहीं जागना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा दो दिन से चल रहा है कि गोल्डन ढाबा के आगे उन्होंने बैरिकेड लगा दिए हैं, पत्थर लगा दिए हैं, और काफ़ी दो दिन से मीडिया पे चल रहा है, वो किसानों की बहुत सेवा कर रहा था। साथियों, अब मालूम हुआ है कि पानीपत से लेके और जलंधर तक वो सब के आगे पत्थर लगा रहे हैं। जितने भी कट हैं उन सब को बंद कर रहे हैं, जितने होटलों के आगे या पेट्रोल पंपों के आगे, वो सब कट बंद कर रहे हैं। साथियों, अगर पूरे जीटी रोड के सारे कट बंद कर दिए जाते हैं तो सारे पेट्रोल पंप और सारे ढाबे एक तरह से बंद हो जाएंगे। कई कई किलोमीटर तक लगातार कट नहीं है। तो साथियों, अच्छा है मैं ढाबों वालों से और पेट्रोल पंप वालों से, पानीपत से जलंधर तक जितने भी ढाबे और जितने भी पेट्रोल पंप हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी जाग जाएं, अभी मौका है। एक बार बंद हो गए तो फिर दोबारा से बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी मौका है, अभी जाग जाएं। और इसका मतलब मेरी समझ में एक और ये आ रहा है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ढाबे जानबूझ के बंद कराए जा रहे हैं, आगे कंपनियाँ ढाबे खोलेंगी और आपको 100 रुपये का चाय का कप मिलेगा। ढाबे मतलब मेरे को ये मालूम हुआ है कि कहीं कहीं इन्होंने पहले ही जमीन ली हुई है या आगे लेंगे, तो वहाँ पर लेंगे जहाँ पर कट है, तो इस तरह से जो है या ये कट बनवा लेंगे वहाँ पे। मतलब मेरे को ये लगता है कि सारे ढाबे वालों का कारोबार बंद होगा और कंपनियाँ ही इन जीटी रोडों पर ढाबे खोलेंगी। तो साथियों, अभी मौका है, सारे पेट्रोल पंपों वाले और जो जीटी रोड पे हैं और सारे ढाबों वाले, ये अभी जागें और अपनी आवाज़ बुलंद करें। अगर हमारी कोई मदद की ज़रूरत है, हम भी आपके साथ मदद करेंगे, क्योंकि ये कंपनियाँ इस देश को हड़प जाएंगी। और आपको सूचना देना चाहता था, आप तक बात पहुंचानी चाहता था कि आपका काम है, आपने जागना है कि नहीं जागना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।